तो भाई लोगों क्या हाल है। अभी एक न्यूज मार्केट में चली रही थी, वो भी हॉलीवुड की तरफ से, कि ड्यून का थर्ड पार्ट आना है, उससे रिलेटेड यानी उस मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट हुआ है। और भी एक आध चीज़ है कि बॉलीवुड से अपने इंडिया से मतलब तबू का नाम रिकमेंड करा जा रहा था, लेकिन अचानक ये सरप्राइज देना, ड्यून प्रोफेसी यानी ड्यून थर्ड पार्ट का भाई साहब टीजर इन्होंने रिलीज आउट कर दिया है। और नो डाउट जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लेकर गए थे, वो प्रॉमिस और वो सब कुछ देखे गए थे जो मूवी में हमें मिलने वाला है, वो मैजिकल मोमेंट जो उनके और टीजर और ट्रेलर से हमें प्रॉमिस मिल रहा था, वही चीज ड्यून प्रोफेसी यानी ये थर्ड पार्ट भी देखे गया है। भाई साहब ड्यून फर्स्ट और ड्यून सेकंड की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने कोई भी देरी नहीं करी और ड्यून थर्ड को रिलीज आउट कर दिया है। ड्यून टू अभी तो कुछ जस्ट कुछ महीने पहले ही आई थी और अभी ड्यून थर्ड भी आ गई। बात यह है कि ड्यून जो थर्ड पार्ट आने वाला है भाई, ये सीक्वल नहीं है, ये प्रीक्वल है। यानी कहानी दिखाई जाएगी पॉल एट्राडियस जो अपने मेन हीरो हैं उसके जन्म के 10,000 साल पहले की कहानी के बारे में। लेकिन उससे ही पहले अगर अपार सफलता की बात करें ड्यून फर्स्ट एंड ड्यून सेकंड को की, तो ड्यून फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ US डॉलर का रहा है एंड ड्यून सेकंड का रहा है 710 मिलियन US डॉलर के आसपास। इन दोनों मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। अब इंडियन रुपीज में कितना होगा ये आप लोग कन्वर्ट करके बताना, सारे काम मैं ही क्यों करूं, आप भी करो मिलके। बाकी भाई साहब अगर बात करें टीजर की तो टीजर बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि जैसी मोमेंट जैसी मैजिकल मोमेंट हमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देखने को मिले थे। और अगर मैं आपको बताऊं तो ड्यून फर्स्ट पार्ट भाई ऑस्कर विनिंग मूवी थी डिस्टोपियन एरा की, वो मूवी जो VFX के दम पर बहुत जबरदस्त काम करके गई थी और लोगों को पसंद भी बहुत आया था। स्टोरी के साथ साथ VFX का एडवांस हाईटेक वगैरह जो भी इस्तेमाल उन्होंने किया है साईफाई भाई बहुत दमदार था। बाकी एक्शन एंड जो हारकोनन एंड ट्राडियस के बीच में जो फाइट चल रही है वहां पर, वो एवरीथिंग इज टिप टू टॉप। एंड उसी लेगेसी को मेंटेन करते हुए, उसी लेगेसी को बूस्ट करते हुए ड्यून थर्ड पार्ट भी आ रहा है। बात यह है कि कहानी यहाँ पर प्रीक्वल दिखाई जाएगी। पॉल एट्राडियस जो अपने मेन हीरो हैं 10,000 साल पहले, उनके जन्म के 10,000 साल पहले की कहानी दिखाई जाएगा। एक ऐसा किंगडम वहाँ पर राज कर रहा था उसके बारे में बताया जाएगा, जो आगे आने वाले ड्यून फर्स्ट एंड ड्यून सेकेंड में जो ह्यूमन काइंड जो लोग खामियाजा भुगत रहे हैं वहाँ पर, जो इंसानियत खामियाजा भुगत रही है, लाइक वो पानी खाना जो वहाँ पर इसेंशियल नीड है लेकिन उतनी आसानी से नहीं मिल रहा है, उसके लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें ये एक एक करके ये उसका रूट कॉज क्या है वो वहां से देखने को मिलने वाला है। सिस्टरहुड की कहानी दिखाई गई, यानी वहां पर अधिकतर फेमिनिज्म मतलब फीमेल लीड पर ही सब देखने को मिलने हैं, फीमेल लीड पर ही रूल करने को देखने को मिल रहे हैं, सिस्टरहुड्स की ही कहानी देखने को मिल रही है, मतलब औरतों का ऐसा तबका जो काफी पावरफुल थे उस टाइम पर, और वो सारी चीजें वहां देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल टीजर में और भी कुछ रिवील आउट नहीं किया है, देखते हैं ट्रेलर में और क्या क्या मिलने वाला है। बाकी भाई ये चीज डिसअपॉइंट करके गई कि भाई अभी तक बात चल रही थी कि इंडियन एक्ट्रेस तबू की भी एंट्री हमारी उसमें होने वाली है, लेकिन उसके बाद मैंने कास्ट चेक करी कि कास्ट में कौन कौन आने वाला है, तो तबू का नाम कहीं आते दिखा नहीं। लेकिन इंडिविजुअली जब मैंने सर्च किया कि तबू ड्यून प्रोफेसी में आने वाली है क्या, तो बोला है कि भाई साहब आएंगे, लेकिन हु नोज कि प्रॉपर रोल होने वाला है या कैमियो रोल होने वाला है, क्योंकि तबू एक लीजेंडरी एक्ट्रेस है और अपनी इंडियन एक्ट्रेस हॉलीवुड में जाके उस मूवी में जाके दमदार काम करेंगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल के लिए भाई टीजर में कहीं से कहीं तक मैंने स्लो मोमेंट में भी देखा, अगर आपने देखा है और आपको चीज़ें पकड़ में आई है कहीं पर लगा कि यहाँ पर तबू है तो जरूर बता के जाना, फिलहाल मुझे तो नहीं देखने को मिला। हाँ ट्रेलर के लिए हो सकता है बचा के रखा हो, क्योंकि इंडिया में भी ड्यून को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और इंडियन ऑडियंस को और भी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो भाई साहब तबू का नाम जो उन्होंने उछाला है 2-3 दिन पहले ही, अगर ये चीज़ स्क्रीन टाइम पर प्रेजेंट देखने को मिल जाए यानी चेहरा देखने को मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो ही जाएगा। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।